नमस्कार दोस्तों, हमें जो बजीज पक्षी है इनके लिए नेस्टिंग किस प्रकार से करनी चाहिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग इनकी जो मटकी लगाते हैं उसमें तरह तरह की चीजें डाल देते हैं अज्ञानतावश, जो कि गलत है। मटकी लगाने का भी एक तरीका होता है, हमें उसी के अनुरूप मटकियां लगानी चाहिए और भूल कर भी कोई भी चीज मटकी के अंदर नहीं डालनी चाहिए। कई लोग भूसा भर देते हैं मटकियों में, कोकपीट डाल देते हैं या कोई और दूसरी चीज डाल देते हैं, जो गलत है। किसी के बहकावे में आकर के ऐसा कार्य ना करें। इनकी जो मटकी लगाई जाती है बस उसका एक ध्यान हो कि उसकी जो तली होती है नीचे से वो फैलमा हो और उसमें कुछ नहीं डालना चाहिए। और उसका जो लगाने का सही तरीका है वो ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मटकी ये किस तरह से लगाई गई है। क्योंकि ये जो इधर मटकी है इनमें अंडे रखे हुए हैं, तो मैं चलिए इधर से दिखाता हूँ एक मटकी किस तरह लगाई गई है जिसका जिसमें अंडे नहीं है। देखो दोस्तों, ये नीचे से दिख रही होगी आपको, ये फैलमा है। जो मटकी इस तरह से फैलमा होती है नीचे से, तो कई बार बच्चे निकलते हैं ना जब अंडों से, तो जो आखिरी का बच्चा होता है या आखिरी के बच्चे होते हैं तो बड़े बच्चों के नीचे दब करके मर जाते हैं, क्योंकि कई बार छह छह और सात सात बच्चे भी निकल आते हैं। तो इसलिए जो नीचे का जो हिस्सा होता है मटकी ऐसी ले जिसका ये नीचे का जो हिस्सा है वो फैलमा हो। इसे लगाने के लिए देखो होल होना चाहिए जिससे अंदर बाहर ये खूब आराम से आ जा सके और बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत ना हो जब ज्यादा अंदर होते हैं। निचला सिरा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसको देखो, जो ये तार है ये इस तरह से लगाया गया है और इसमें से एक घुंडी बनी है यहाँ पे, वो इसमें घर जाती है। यहाँ पर ये एक दीवार में लगाने की आती है ये कुंडी, इसको लगाते बहुत मजबूत होती है, पक्की दीवारों में निकलती है। और इस मटकी को हम नीचे भी उतार सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से मटकी लगाने का फायदा ये है कि हम मटकी को बेहतर तरीके से चेक भी कर सकते हैं। और यदि कोई बच्चा जब छोटा होता है और वो मर गया किसी कारण से, तो मटकी में बदबू ना हो उसको इसके मतलब नीचे उतार करके उसको बाहर निकाला जा सकता है और मटकी फिर दोबारा से ऐसे ही वहां पे लगा दी जाती है। तो इस तरह से मटकी लगाया करें। और जब बच्चे बड़े होकर बाहर निकल आते हैं तो ये इसमें जो उनकी बीट होती है भरी रहती है बहुत सारी, तो हम इसे उल्टी करके पलट करके तो उनको भी बाहर निकाल सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। इससे मटकी की साफ सफाई भी हो जाती है और हमें ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और मटकी के अंदर अपनी ओर से कोई भी चीज न डालना करे दोस्तों।